हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप लोगों को बहुत ही दमदार जानकारी मिलने वाली है। साथ ही साथ वीडियो में बहुत ही मज़ा आने वाला है, क्योंकि यहाँ पर मैंने जो वीडियो रिकॉर्ड आज किया है वो एक किया है एक कमेंट को लेकर के। इस कमेंट को मैंने कोड किया है, जो कमेंट किया था प्रशांत चौधरी जी ने 3 दिन पहले। इन्होंने लिखा कि मेरा डीएल चोरी हो गया है और मेरे पास डीएल की जीरोक्स भी नहीं है, कैसे डीएल निकालूँ। ठीक है, इन्होंने ये कमेंट किया था हमारे इस वीडियो पर, जिस वीडियो में मैंने बताया था कि आप 4 या 5 अंकों के ड्राइविंग लाइसेंस से आप 14-15 अंकों वाला ड्राइविंग लाइसेंस नंबर किस तरीके से निकालेंगे। तो इसी सवाल का जवाब मैं देने जा रहा हूँ एक वीडियो बना करके। तो अगर आपका भी कोई सवाल है और आप उसका वीडियो चाहते हैं, तो प्लीज़ हमारे टेलीग्राम चैनल पर ज़रूर अपना मैसेज डालें, या आप इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में डाल दें, और डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम चैनल के लिंक पर हमें ज्वाइन करके वहां पर भी आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। फिलहाल मैं यहां पर रिक्वेस्ट करूंगा प्रशांत चौधरी जी से कि अगर आप हमारे ये वीडियो देखें तो इस वीडियो पर एक कमेंट जरूर करें कि आपको ये वीडियो देखने को मिल चुका है। साथ ही साथ आप चैनल को सब्सक्राइब करें और लोगों को भी ये वीडियो शेयर करें। चलिए इस वीडियो की हम शुरुआत करते हैं। इसके लिए एक ब्राउजर हम ओपन करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर अगर हम बात करें राज्य की, तो राज्य से कोई मैटर ही नहीं है, क्योंकि वेबसाइट सबका सेम ही है, परिवहन। इस वेबसाइट पर आएंगे, परिवहन सेवा मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट। इस वेबसाइट पर आने के बाद यहाँ ऑनलाइन सर्विसेज जो लिखा है इसमें हम आ जाएंगे, और लिखा है ड्राइविंग लाइसेंस रिलेटेड सर्विस, यहाँ पर हम कर देंगे क्लिक। अब आप जिस किसी भी राज्य से हो, वो यहाँ पर मैटर करता ही नहीं है। आपको क्या करना है कि अगर राज्य आपको चेंज करना है तो आप चेंज स्टेट पे क्लिक करके यहाँ से आप अपना राज्य चुन भी सकते हैं, कोई इशू नहीं है। मैं उत्तर प्रदेश से हूँ, मैंने चुन लिया है। आप जिस भी राज्य से हों वो चुन सकते हैं। अब यहाँ पर क्या है कि आपको अपना ड्राइविंग लाइसेंस नंबर, मतलब ड्राइविंग लाइसेंस ही आपके पास नहीं है, चोरी हो गया, तो ड्राइविंग लाइसेंस को निकालने से पहले आपके पास क्या होना चाहिए, ड्राइविंग लाइसेंस नंबर। तो इस वीडियो में पहले तो हम आपको बताते हैं ड्राइविंग लाइसेंस नंबर हम किस तरीके से निकालेंगे। ये एक नोटिफिकेशन आएगा जो कि ई केवाईसी के थ्रू लर्निंग लाइसेंस बनाने के लिए है, इसे हम स्किप कर देते हैं। ठीक है, अब यहाँ हम अपना जो ड्राइविंग लाइसेंस नंबर है उसे निकालेंगे। उसे निकालने के लिए हम आएंगे यहाँ पर फाइंड एप्लीकेशन नंबर जो लिखा है इस पर क्लिक करेंगे। कुछ लोग क्या करते हैं कि यहाँ डीएल सर्च में बताते हैं, लेकिन ये मेथड गलत है, इस पर कुछ नहीं आता है, सर्च ही नहीं होता। आप डायरेक्ट क्लिक करिए फाइंड एप्लीकेशन नंबर, यहाँ पर आप क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ से आपको चुनना है अपना राज्य। यहाँ पर राज्य को चुनने के बाद सेलेक्ट आरटीओ लिखा है, तो यहाँ से आप अपना चुन लेंगे आरटीओ। आरटीओ के चुनने के बाद यहाँ पर लिखा है फर्स्ट नेम, तो यहाँ पर आप डाल दीजिएगा अपना फर्स्ट नेम, मतलब आधार कार्ड लीजिए, आधार कार्ड में जो नाम लिखा है वो नाम यहाँ पर डाल दीजिए। उसके बाद में डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर डाल दीजिए। डेट ऑफ बर्थ डालने के बाद यहाँ पर मोबाइल नंबर, और इस कैप्चा को इस बॉक्स में भर दीजिएगा। कैप्चा भरने के बाद आप सबमिट पे कर दीजिए क्लिक, जिससे कि आपका डिटेल जो है वो सर्च होकर के आ जाए। यहाँ पर नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आप देखेंगे आपकी डिटेल सर्च होकर के आ चुकी है। इसमें आपको देखना है कि आपका मोबाइल नंबर, आपका ट्रांजेक्शन नेम, फादर नेम, आपका अपना नेम, तो इनमें से जो भी डिटेल आपका है उसके सामने आप गेट डिटेल पे क्लिक कर दें, और आपने जो मोबाइल नंबर भी रजिस्टर किया था या जो नंबर वही इंटर किया है उस नंबर पर एक OTP आपको रिसीव हो जाएगा। OTP आपको जैसे ही रिसीव होता है आप यहां पर डाल करके सबमिट पे क्लिक कर दें, और इस तरीके से आप देखेंगे कि आपका एप्लीकेशन नंबर और डेट ऑफ बर्थ ऑटोमेटिक फिल होकर के आ जाएंगे। इनमें आपको कोई छेड़छाड़ नहीं करना है, आपको सीधा नीचे दिया गया जो कैप्चा है वो आपको भर करके, और नीचे जो लिखा है सबमिट, इस पर आपको क्लिक कर देना है। यहाँ जब आप क्लिक करते हैं तो आप देखेंगे कि ड्राइविंग लाइसेंस नंबर सबसे ऊपर ही लिख करके आ चुका है। ठीक है, सबसे पहला काम ये आपको ये करना है कि ये ड्राइविंग लाइसेंस नंबर यहाँ से आप लिख करके रख लीजिए। ठीक है, कॉपी नहीं बल्कि लिख करके इसे रख लीजिए, और कॉपी भी कर लीजिए। यहाँ पर जो लिखा है एप्लीकेशन नंबर, इसे भी आप लिख लीजिए। उसके बाद आप बैक पेज पर आ जाइएगा। ठीक है, अब इस बैक पेज पर आएंगे, यहाँ पर आपको क्या करना है, देखिए कि डीएल को प्रिंट करने का कोई मतलब ही नहीं है। अगर आप डीएल को प्रिंट करते भी हैं तो डीएल एक पेपर पे प्रिंट होगी, तो उससे अच्छा ये है कि आप अपने एंड्रॉयड मोबाइल में एप्लीकेशन में रखिए, चाहे वो एम परिवहन हो या डिजी लॉकर हो। दूसरा ये है कि अगर आप फिजिकली ही रखना चाहते हैं तो आप फिर दोबारा से प्लास्टिक का कार्ड अप्लाई कर दीजिए। कार्ड को अप्लाई करने के लिए आपको यहाँ पर लिखा हुआ मिलेगा अप्लाई फॉर डुप्लीकेट डीएल, इस पर आप क्लिक कर दीजिए। यहाँ पर बताया गया है कि अगर आपको डीएल में कोई भी करेक्शन कराना हो तब भी यहीं से होगा, डीएल आपको रिप्लेस करानी हो तब भी यहीं से होगी, दोबारा मंगानी हो तब भी यहीं से होगी, मतलब कुछ भी अगर आपको डीएल में कराना है तो इसी पेज से होगा। आपको सीधा कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। यहाँ पर जो डीएल नंबर अभी मैंने जैसे कि आपको बताया था वो डीएल नंबर आप यहाँ पर डाल दीजिए। उसके बाद में एक यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ बर्थ के बाद यहाँ पर जो कैप्चा दिया गया है ये कैप्चा आप केयरफुली भर दीजिए, गलती नहीं होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद लिखा है छोटा सा गेट डीएल डिटेल, आपको इस पर क्लिक करना है। यहाँ क्लिक करेंगे तो मैं नीचे, जी हाँ, इस तरीके से आप देखेंगे नाम, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ, आपका फ़ोटो और जो सिग्नेचर, ये सभी चीज़ें आ जाएंगी। हालांकि मैंने जानकारी जो जितनी भी है इसको सबको हाइड कर दिया है। ऊपर की तरफ आप इस तरीके से स्क्रॉल करके आएंगे अब यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर लिखा है कन्फर्म,
डेट द एबव ड्राइविंग लाइसेंस डिटेल आर माइंड। तो यहाँ अगर जो ऊपर आपने डिटेल देखी वो आपकी है तो आप इसे यस कर दें। यस करने के बाद यहाँ पर आप डाल दीजिएगा अपना पिन कोड नंबर। ये पिन कोड नंबर आप जैसे ही डालेंगे तो यहाँ पर जो RTO ऑफिस आपकी है वो ऑटोमेटिक यहाँ पर आ जाएगी। ठीक है, RTO ऑफिस आने के बाद आप प्रोसीड पे कर दीजिएगा क्लिक। यहाँ पर क्लिक कर दिया तो वही डिटेल आपको फिर से एक बार देखने को मिलेगी। नीचे स्क्रॉल करेंगे यहाँ पर आपको दिखेगा आपका मोबाइल नंबर और दिखेगा ईमेल आईडी। ठीक है, इनमें से अगर मोबाइल नंबर आपको कुछ चेंज करना हो या ईमेल आईडी आपको चेंज करनी हो तो चेंज भी कर सकते हैं। ब्लड ग्रुप की बात करें तो यहाँ पर ब्लड ग्रुप आपको अपना सेलेक्ट करना होगा। अगर आपको ब्लड ग्रुप नहीं पता है तो आप अननोन पे सेलेक्ट कर दीजिए, उसके बाद आप कन्फर्म पे कर दीजिएगा क्लिक। दिखाया गया है कि आपका जो ड्राइविंग लाइसेंस है DL विल बी डिलीवर्ड। ठीक है, ये जो DL आपकी आएगी बाई पोस्ट ये आपके इस एड्रेस पर आएगी। अगर ये सही है तो आप इसे ओके कर दें। ठीक है, जैसे ही आप ओके करेंगे तो यहाँ पर आपको सर्विस चुनने के लिए बोला है कि कौन सी सर्विस आप चुनना चाहते हैं। तो यहाँ पर सर्विस आप चुनेगा इशू ऑफ डुप्लीकेट DL। ठीक है, इसको हमने टिक कर दिया। अब यहाँ पर जैसे ही टिक किया तो हमें यहाँ पर एक बहुत ही अच्छी चीज़ बताई जा रही है RTO की तरफ से। यहाँ पर इसे पढ़ने की ज़रूरत है। यहाँ पर मैं डायरेक्ट आपको बता देता हूँ कि यहाँ पर क्या बताया गया है। यहाँ पर बताया गया है कि अप्लीकेंट इज एडवाइज टू डाउनलोड डिजिटल या वर्चुअल ड्राइविंग लाइसेंस। ठीक है, आप जो आपका ड्राइविंग लाइसेंस है उसे आप डिजिटल या वर्चुअल ड्राइविंग लाइसेंस आप डाउनलोड कर लीजिए एम परिवहन एप्लीकेशन से। और उसे डाउनलोड करने के लिए आप प्ले स्टोर में इस लिंक पर क्लिक करके जा सकते हैं और वहाँ से आप अपने मोबाइल में एम परिवहन एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। क्योंकि अब जो फिजिकल डॉक्यूमेंट है वो तो मान्य हमेशा से रहा है, लेकिन अब अगर आपके पास एम परिवहन में या डिजी लॉकर में आपका वर्चुअल ड्राइविंग लाइसेंस है तो वो मान्य होगा, लीगली है। ठीक है, आपको फिजिकल डॉक्यूमेंट रखने की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर आप फिर भी चाहते हैं कि आप अप्लाई करें तो आप यहां से कर सकते हैं। मैं तो आपको सजेस्ट यही करूंगा कि आप हमारा जो दूसरा वीडियो, मैंने दो तीन वीडियो रिकॉर्ड किए हैं, उनमें आप जा करके देख लें कि एम परिवहन एप्लीकेशन हम किस तरीके से इंस्टॉल करते हैं, एम परिवहन एप्लीकेशन में हम किस तरीके से अपने ड्राइविंग लाइसेंस को ऐड करते हैं, किस तरीके से वहाँ से ड्राइविंग लाइसेंस को, अगर मान लीजिए कहीं चेकिंग में आप पकड़े जाते हैं तो ड्राइविंग लाइसेंस को किस तरीके से सामने दिखाएंगे। ठीक है, तो ये सभी चीज़ें मैंने उस वीडियो में आप लोगों को बताई हैं। अगर फिर भी आप फिजिकल ही चाहते हैं प्लास्टिक का कार्ड तो इसे आप क्लोज कर दें। ठीक है, उसके बाद आप सीधा प्रोसीड पे कर दें क्लिक। प्रोसीड पे आप यहाँ से क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे लिखा है इशू ऑफ डुप्लीकेट DL। तो यहाँ पर सेलेक्ट रीजन फॉर डुप्लीकेट DL, तो यहाँ पर क्या दिक्कत है, क्यों आप दोबारा से DL को चाहते हैं। DL PSV बैच मल्टीलेटेड या लॉस ऑफ DL, तो मैं यहाँ पर लॉस ऑफ DL। ठीक है, DL जो है वो चोरी हो गया, तो यहाँ पर आप लिख दिए रिमार्क में लॉस्ट और इसके बाद आप कन्फर्म पे कर दीजिएगा क्लिक। आपने यहाँ कन्फर्म पे क्लिक किया तो आपको यहाँ पर बताया गया है डाटा एक्सेप्टेड सक्सेसफुली। अब यहाँ नीचे की तरफ आएंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे लिखा है सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म, तो इस पर क्लिक कर दें। ये डिक्लेरेशन तो जब नया हम बनाते हैं लाइसेंस तब भी हमें भरवाया जाता है। ठीक है, तो इसे आप भर दीजिएगा एक बार, यस नो जो भी है, फिलहाल तो इसी तरीके से भरा जाता है। चेकबॉक्स को टिक करके सबमिट पर क्लिक कर दें और ये यहाँ पर कम्प्लीट हो गया। ओके, बैक पे क्लिक कर दिया। अब नीचे की तरफ आएंगे, यहाँ पर एक कैप्चा भर करके हम ये चेकबॉक्स को टिक करके और सबमिट पे यहाँ कर देंगे क्लिक। लिखा है आर यू श्योर दैट यू आर नॉट इंटरेस्टेड इन डोनेटिंग योर ऑर्गन्स प्लीज़ ओके, तो इसे हमने ओके पे क्लिक कर दिया। यहाँ पर थोड़ा पेमेंट भी रहता है, लिखा है कंग्रेचुलेशन योर एप्लीकेशन हैज बीन सबमिटेड सक्सेसफुली और ये ओके हो गया। उसके बाद हम यहाँ पर नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं और आप देखेंगे ये हमारा एप्लीकेशन नंबर और ये सब हो गया। उसके बाद ये हमने यहाँ पर कैप्चा भर दिया। यार वीडियो जो है वो बढ़ता ही जा रहा है, लेकिन कोई इशू नहीं है, मैं सब कुछ जानकारी आपको क्लियर कर रहा हूँ। सबमिट पे क्लिक कर दीजिए। यहाँ पर जो सबसे ज़रूरी चीज़ है वो है पेमेंट। ठीक है, यहाँ पर आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करने की ज़रूरत पड़ेगी। प्रोसीड पे क्लिक कर दिया, यहाँ पर डॉक्यूमेंट, हालांकि कोई ज़्यादा डॉक्यूमेंट अपलोड करने ही नहीं है आपको। यहाँ पर डॉक्यूमेंट इस तरीके से लिखा है FIR या NCR रिपोर्ट, आपने जो FIR की है वो यहाँ पर अपलोड कर दीजिएगा और उसके बाद आपको यहाँ पर पेमेंट भी करना रहता है। ठीक है, तो ये बस पेमेंट वगैरह आप कर देंगे। पेमेंट करने के बाद आपका जो ड्राइविंग लाइसेंस है ये आपके घर बैठे ही आपको रिसीव हो जाएगा और उसके थ्रू आप बाकी के काम कर सकते हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि ये सब चीज़ें आपको न करनी पड़े, ठीक है, तो मैं आपको बता रहा हूँ कि आप क्या करिए कि इस तरीके से हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं, वहाँ पर आपको देखने को मिलेगा एक प्लेलिस्ट जिसका नाम है ड्राइविंग लाइसेंस। ठीक है, ड्राइविंग लाइसेंस नाम होगा, उस प्लेलिस्ट के अंदर आपको ये इतने वीडियोज आपको देखने को मिल जाएंगे। इन वीडियोज में मैंने आप लोगों को एम परिवहन एप्लीकेशन ये रहा। ठीक है, इस वीडियो को आप एक बार जरूर वॉच कर लीजिए, यहाँ पर मैंने पूरा डिटेल बताया है कि हम एम परिवहन एप्लीकेशन में गाड़ी का इंजन नंबर, चेसिस नंबर, गाड़ी का RC या ड्राइवर का DL, ये सभी चीज़ें किस तरीके से उसमें एकत्रित करते हैं या किस तरीके से हम वहाँ पर
दिखाने के लिए काम में लाते हैं, किस तरीके से इस एप्लीकेशन को हम चलाते हैं। तो ये सभी चीज़ें मैंने बताई हैं। बाकी अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप डायरेक्ट अगर चाहें तो डायरेक्ट हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके वहाँ पर पूछ सकते हैं, या आप इस वीडियो के कमेंट में कमेंट डाल दें, वहाँ पर भी मैं उससे संबंधित अगर ज़रूरत होगी तो मैं आपको ओरल ही बता दूंगा। अगर ज़्यादा ज़रूरी या इंपॉर्टेंट आपने चीज़ पूछी है तो इस तरीके से, जिस तरीके से आज ये वीडियो में रिकॉर्ड कर रहा हूँ, इसी तरीके से एक नया वीडियो बना करके आप लोगों को उसके बारे में जानकारी दे दूंगा। फिलहाल वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबा हो चुका है, इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन जानकारी ज़्यादा थी तो वीडियो भी बड़ा बनाना पड़ा। मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।